Once again, good morning to all the students of Primary Assembly School and all students worldwide. There has been a few days when the class has not happened in this month due to some unforeseen circumstances. So I am very very sorry for that. कुछ दिन क्लासेस नहीं हुए इस महीने में, उसके लिए मैं आपसे बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ. और एक और बात है कि 21 तारीख से मैंने कहा था स्कूल खुलने वाला है, लेकिन चूंकि कुछ अनफॉर्चुन चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर कि अभी डीएम लोगों की अभी बैठक नहीं हुई है. दे हैव नॉट डन अ मीटिंग विद रेस्पेक्टिव पर्सन विद हुम दे हैव टू डू टू ओपन द स्कूल. सो उसके लिए क्या है कि हमें ये पता चला है कल बैठक हो रही है उन लोगों की, कल जो है 22 तारीख है, जो कल बैठक हो रही है और बहुत जल्द जो है आपको इस महीने के अंदर ही स्कूल आपके खुल जाएंगे. और जो 5 तारीख से है, अगले 5 तारीख के बाद से जो है सभी स्कूल जो है नॉर्मल रूप से चलेंगे. तो जो इन्फॉर्मेशन हमें आज तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. और अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो फिर वो अलग सी बात है, वो आपको फिर से कन्वे किया जाएगा. लेकिन अभी जो है यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. और तो इसी के लिए वरना मैंने आपको कहा था 21 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीज़ें, उसमें कुछ बदलाव आया है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ. यही बदलाव है कि अभी डीएम लोगों की बैठक होगी, है ना, खगड़िया डीएम की बैठक होगी अलग अलग लोगों के साथ जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विभागों के साथ. और उसके बाद फिर जो है एक नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें ऑफिशियली कोई नोटिस किसी भी स्कूल को नहीं आया है कि स्कूल खोलना. हाँ, लेकिन भारत सरकार ने कहा था कि 21 तारीख से आप स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्टिव वहाँ पे जो डीएम्स हैं उन्हें भी डिसीजन लेना है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्हें भी डिसीजन लेना है इसके ऊपर. तो अभी फिलहाल क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया था और जो खगड़िया के रेस्पेक्टिव डीएम हैं उनके द्वारा भी अभी तो कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी, तो इसके कारण जो है स्कूल आज नहीं खुला है. लेकिन बहुत ही जल्द जो है स्कूल खुलने वाला है, तो आपको मैं टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूँगा, तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 अगेन. वी वर स्टडिंग द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन. हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन. हमने पढ़ लिया था यहाँ तक पेज नंबर, आपको अगर मैं बताऊँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया था आपको 38 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. द स्टैंजा फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. डकोटा इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन. डकोटा इज अ टाइप ऑफ ह्यूज एरोप्लेन, है ना, ये एक तरह का है, एक तरह का एरोप्लेन ही, एक तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही है जिसे हम डकोटा कहते हैं. तो ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपना एरोप्लेन, टर्न मतलब मोरा, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने अपना एरोप्लेन जो है अपने हवाई जहाज को किस तरफ मोड़ा? वो उत्तर की ओर मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, कहाँ पे? उसके हवाई जहाज के सामने. सो दैट आई कुड बी इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. इसलिए क्योंकि इसे जो है आसान होगा उसे फॉलो करने में, ताकि उसने जो है अपनी एरोप्लेन को इसकी तरफ लाया, है ना, उसकी जो उसने जो है अपनी एरोप्लेन को मोड़ा, नॉर्थ की ओर मोड़ा, क्योंकि इसकी प्लेन जो है उत्तर दिशा में उड़ रही थी, तो उसने भी अपना प्लेन क्या किया, उत्तर दिशा में मोड़ा और इसके प्लेन के सामने लाया, ताकि जो है इसे प्रॉब्लम ना हो उसे फॉलो करने में, फॉलो मतलब उसके पीछे पीछे जाने में इसे प्रॉब्लम ना हो. आई एम वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. तो ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस एरोप्लेन, इस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना, किस प्रकार? एज एन ओबीडियंट चाइल्ड. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी. OBEDIENT ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी. OBEDIENT ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जो बातों को मानता है, आज्ञाकारी, है ना. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जो बातों को मानता है. हु लिसन्स टू द वर्ड्स सेड, हु लिसन्स टू व्हाट इज बीइंग सेड, है, लिसन्स टू व्हाट इज बीइंग सेड, हु लिसन्स टू व्हाट इज बीइंग सेड, मतलब अगर कुछ कहा जा रहा है आपको और आप उसका पालन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओबीडियंट बोलते हैं. उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओबीडियंट बोलते हैं. तो टू गो बिहाइंड स्टेज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो बोला मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है इस एरोप्लेन के पीछे जा रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. आफ्टर हाफ एन आवर, इट्स नॉट आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, है ना, बेसिकली लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर हाफ एन आवर, आवर इज टोटली रॉन्ग, इट्स नॉट कॉल्ड आवर, इट्स कॉल्ड आ, है ना, एच इज साइलेंट हियर, एच जो है यहाँ पे साइलेंट होता है. सो आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज एरोप्लेन, स्ट्रेंज मतलब अनजाना, एस टी आर ए एन जी, स्ट्रेंज मतलब अननोन,
अनजाना है ना, जिसे आप जानते नहीं है। कभी आप मार्केट में गए तो आपको बहुत सारे स्ट्रेंज व्यक्ति मिलेंगे, मतलब अननोन पर्सन मिलेंगे जिसे आप जानते नहीं है, है ना, जिसे आप व्यक्तिगत रूप से आप अपनी तरीके अपने और से उसे नहीं जानते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंज अननोन पर्सन। ठीक है, तो आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, काले रंग की जो हवाई जहाज थी, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, मतलब वो अभी भी मेरे आगे ही था, है ना। मतलब क्लाउड मतलब क्या, जो आपके आसमान में जो क्लाउड्स है उसकी जो है वो उसके एरोप्लेन के आगे अभी भी वो उड़ रहा था, बादलों में उसके एरोप्लेन के आगे वो अभी भी उड़ रहा था। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, मतलब जो हवाई जहाज में फ्यूसलाज होता है, मैंने आपको बताया है हवाई जहाज में फ्यूसलाज होती है, हवाई जहाज की अगर ये एक बॉडी होती है बहुत बड़ी, आप देखेंगे है ना, और पीछे ऐसे टेलरिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे इसके जो है फ्यूसलाज होते हैं हवाई जहाज के, तो उसमें तो ये कह रहा है यहाँ पे रखते ये है ना, यहाँ पे इसमें क्या रेडियो सिग्नल रिसीवर होता है, रेडियो सिग्नल रिसीवर सबसे आगे जो उसका नोज होता है हवाई जहाज का, हवाई जहाज का नोज आगे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं रेडियो सिग्नल रिसीवर्स होते हैं। यहाँ पे जो हवाई जहाज में जो भी बातें होती हैं हेडफोन्स लगा के, जो बातें होती हैं पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बीच में, वो सिग्नल कहाँ से, वो रेडार्स यहीं से कैच होते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स यहीं से कैच होते हैं और वो अंदर फिर ट्रांसमिट किए जाते हैं हवाई जहाज के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes, मतलब अब जो उसके हवाई जहाज, जो उसका हवाई पुराना हवाई जहाज था डकोटा, मतलब एक तरह का नाम है उस हवाई जहाज का, जो वो कहते थे, जो कहते थे कि जो मेरा पुराना हवाई जहाज है उसमें बस अब उतना ही ईंधन बचा है, फ्यूल मतलब ईंधन, उतना ही ईंधन बचा है कि वो और 5 से 10 मिनट और हवा में रह सकता है। अगर उसके अंतराल में उसी बीच में उसे ना उतारा गया तो हवाई जो तो हवाई जहाज जो है वो क्या हो सकती है, हवाई जहाज जो है वो एक्सीडेंट हो सकती है, उस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब उसे डर लगने लगा था कि अब 5 से 10 मिनट का ही इसमें जो है फ्यूल बचा हुआ है, 5 से 10 मिनट का ही इसमें जो है आपको ईंधन बचा हुआ है, तो अब उसे डर लगने लगा था अगर मैं इन इन इस समय के बीच में न उतर पाया तो फिर शायद मेरी मौत भी हो सकती। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, तभी उसने देखा कि मेरे आगे जो हवाई जहाज है वो भी अब नीचे डिसेंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं डिसेंड, है ना, जो नीचे उतरने को हम क्या बोलते हैं डिसेंड, जो हवाई जहाज नीचे उतरता है डिसेंड, डिसेंड असेंड, असेंड मतलब असेंडिंग का मतलब पता है ऊपर जाते हुए, डिसेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाते हुए, है ना, तो डिसेंड मतलब नीचे उतरना शुरू हुआ। उसने देखा कि मेरे उसके जो आगे जो हवाई जहाज था बादलों में वो भी जो है अब धीरे धीरे अपना ऑल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दिया, ऑल्टीट्यूड मतलब हवाई जहाज जो है नॉर्मली अगर मान लिया 34,000 feet पे उड़ती है, फिर ये 33,000 feet पे आएगी, ऐसे ऐसे 32,000, ऐसे ऐसे करती ये 1,000 feet पे आ जाएंगी, फिर 500 feet पे आ जाएंगी, फिर 10, 9, 8 ऐसे करती ये ग्राउंड को टच करती है। तो उसने देखा कि अब जो हवाई जहाज जो इस हाइट पे उड़ रहा था वो अब नीचे आना शुरू हो गया, फिर वो इस हाइट पे, फिर धीरे धीरे इस हाइट पे, तो मतलब क्या है कि वो अब नीचे आना शुरू हो गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और तभी उसने देखा अचानक कि जब वो बादलों से बाहर आया, सडनली मतलब अचानक, SUDDENLY, सडनली अचानक, SUDDENLY मतलब अचानक, है ना, अचानक ही वो इसके बाहर आया, है ना, अचानक ही वो इसके बाहर आया और उसने क्या देखा, He saw two long straight lines of light in front of me. और तभी उसने दो लंबे लंबे जो है लाइन्स देखे, आपने रनवे देखा है, ये रनवे होता है ना, ये रनवे रोड की तरह होता है, यहाँ पे उसके कोने में है लाइट्स लगे रहते हैं इस तरफ, क्योंकि ये बताता है कि ये आपका रनवे का अंतिम जगह है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, और बीच में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में भी लाइट लगे रहते हैं, स्ट्रिप्स बने रहते हैं, बीच में ऐसे स्ट्रिप्स बना रहता है और उसमें भी लाइट्स लगे रहते हैं, है ना, और इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, जब आपकी स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये काम करता है, ये पूरी प्रणाली कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या होता है ना। तो इसमें इस दोनों तरफ दोनों छोर की ओर, अंतिम छोर की ओर लगे रहते हैं और बीच में भी लगे रहते हैं, तो जैसे वो बादलों से बाहर निकला तो उसने ये देखा कि यहाँ पे जो है हमारे जो से लाइट्स दिखाई दिए। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, और उसने देखा कि वो एक रनवे था, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रनवे बोलते हैं, जिसपे हवाई जहाज उतरती है इसको हम क्या बोलते हैं, रन
वेव बोलते हैं, जिस चीज पे हवाई जहाज ये उतरती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसी चीज पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं, रनवे बोलते हैं, है ना। तो उसने सामने देखा इट्स अ रनवे, यहाँ तो एक रनवे है, एन एयरपोर्ट मतलब रनवे है तो मतलब एयरपोर्ट भी है, एंड आई वॉज सेफ। और सोचा अब जो है मैं नीचे उतर जाऊंगा और अब जो है उसकी जान में जान आएगी। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन, है ना, उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन पूरा जो आसमान है वो पूरा जो है पूरी तरह से खाली था। एम्प्टी मतलब खाली, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी, है ना, इट्स ई एम पी टी वाई, इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी, पी यहाँ पे जो है ये साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं हम एम्प्टी, लेकिन लिखते हैं ई एम पी टी वाई, एम्प्टी, ओके, ठीक है। I could not see empty. There was nothing there. कुछ भी वहाँ नहीं था. The black aeroplane was gone. और जो काले रंग का जो aeroplane जो उसके आगे था, वो भी अब अदृश्य हो गया था. वो भी अब उसे दिख नहीं रहा था. I could not see it anymore. अब वो उसे बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था. कहीं से भी वो उसे देख नहीं पा रहा था. I landed and was not sorry. To walk away from the old Dakota near the control tower, है ना? I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और इसी बीच क्या हुआ? उसने अपने प्लेन को क्या किया? सुरक्षित जो है हवाई अपने हवाई जहाज को उसने रनवे पे उतार लिया. सुरक्षित उसने हवाई जहाज को रनवे पे उतार लिया. And was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और अपने प्लेन को उसने कहा कंट्रोल टावर के पास लगाया, है ना, अपने अपने प्लेन को जो उसने कंट्रोल टावर के पास पार्क किया, पार्किंग मतलब उसे लगाना, एंड ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और वो बिल्कुल ही बहुत ही सॉरी नहीं था, मतलब वो उसे बहुत ही गिलानी फील नहीं हो रही थी. वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. तो क्योंकि जैसे ही वो बादलों से बाहर आया तो उसने क्या देखा कि जो प्लेन जिस प्लेन को फॉलो कर रहा था वो प्लेन जो है अब उसे नहीं दिख रही थी कहीं भी. अचानक से वो प्लेन गायब हो गई थी. जिस प्लेन को वो फॉलो करके बादलों से फॉलो करके बादलों के बाहर निकला, अचानक से वो प्लेन जो है जो प्लेन उसे इस रास्ते पे लाई, जिस प्लेन ने उसे इस रनवे पे लाया, जो प्लेन उसे रनवे का रास्ता जिस प्लेन ने उसे दिखाया, वो प्लेन अचानक से उसे दिख नहीं रहा. तो वो बहुत ही इससे क्या हुआ, बहुत ही अचंभित हुआ, बहुत ही सरप्राइज हुआ. और तभी उसने क्या किया कि आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. तभी वो कंट्रोल सेंटर में गया, कंट्रोल टावर में गया, जहाँ पे लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि कौन सी प्लेन कहाँ जा रही है, किस प्लेन को किस रनवे पे उतारना है. तो वो रनवे लेफ्ट होता है, रनवे राइट होता है, फॉर एग्जाम्पल 23L 23R होता है, तो इसका मतलब है 23 रनवे नंबर 23 लेफ्ट, रनवे नंबर 23 राइट, ठीक है. तो क्या हुआ, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. तो वो गया और एक महिला को कंट्रोल सेंटर में, जो ATC होता है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है, एक बहुत लंबा टावर होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपका हवाई जहाज होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर होता है और ऊपर में जो है एक चीज ये घूमता रहता है. यहाँ पे ऊपर में जो है आपको एक चीज घूमता रहता है, ये क्या करता है, ये रेडियो सिग्नल जो है भेजता है और रिसीव करता है, ये रेडियो सिग्नल सेंड करता है और ये रेडियो सिग्नल क्या करता है, रिसीव भी करता है ना, तो यही इसका काम होता है ना. तो यहीं पे ये गया टावर में और उसने एक महिला से पूछा. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मतलब मैं कहाँ हूँ, ये जो आपका हवाई अड्डा है ये कौन सा हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, और जो प्लेन को मैं फॉलो कर रहा था वो उनके जो पायलट हैं वो कौन थे जो प्लेन को उड़ा रहे थे. I wanted to say thank you, है ना, वो उसे थैंक यू बोलना चाहते थे कि उन्होंने उसकी मदद की थी. She looked at me very strangely and then laughed. उसने उसके उसकी ओर क्या है बहुत ही भौचक्के तौर पे देखा उसे. Strangely, strangely, भौचक्के तौर पे देखना, strangely, strangely मतलब भौचक्के तौर पे देखना. And then laughed, और बहुत जोर जोर से वो हंसने लगी. Another aeroplane, दूसरे एरोप्लेन, किस एरोप्लेन की बात करें, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्ट्रॉन्ग, इतने बादल, घना बादल है, बारिश की तरह मौसम है, इतना बड़ा बादल है, घना कोहरा छाया हुआ है. और आप दूसरे हवाई जहाज की बात करें, कौन सी हवाई जहाज की आप बात कर रहे हैं. नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, कोई और दूसरी ऐसी प्लेन नहीं थी जो उड़ रही थी आपके सिवाय, कोई ऐसी दूसरी प्लेन इस हवा में नहीं थी, इस ATC कंट्रोल टावर के रडार के अंदर नहीं थी, हवा में नहीं थी, स्ट्रॉम में नहीं थी जो उड़ रही थी.
योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आप ही का एक ऐसा प्लेन है जो मैं रडार पे देख सकती हूँ। उनके पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे राउंड राउंड ऐसे डॉट्स होते हैं और उनके जो है प्लेन उनको ऑल्टीट्यूड के साथ, प्लेन के नंबर के साथ, यहाँ पे उनका ऑल्टीट्यूड, प्लेन की ऑल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है, प्लेन का स्पीड, प्लेन किस रफ्तार से उड़ रहा है और प्लेन का नंबर। फॉर एग्जाम्पल IC-814 ये वो प्लेन है जो नेपाल में हाईजैक हुआ था, है ना, और जिसे कांधार ले जाया गया था। ये एयर इंडिया का प्लेन था, एयर इंडिया IC-814, ये जो है इसे नेपाल में हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था। उस समय की ये बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी हमारे देश में, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। उस समय जो है एयर इंडिया IC-814 को हाईजैक किया गया था और उसे नेपाल के काठमांडू से सीधा कांधार ले जाया गया था, जबकि उसे न्यू दिल्ली आना था, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, है ना। तो ये प्लेन का नंबर होता है जो रडार पर दिखाता है ऑल्टीट्यूड, किस ऑल्टीट्यूड पे कितनी ऊंचाई पे प्लेन जमीन से उड़ रही है और किस स्पीड पे प्लेन उड़ रही है ना, किस स्पीड पे प्लेन जो है उड़ रही है ये उसकी, और किस डायरेक्शन में उड़ रही है ये भी उसे बताता है, और किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रही है ये भी उन्हें बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ रही है, ठीक है। तो उस औरत ने कहा कि अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्ट्रॉम, नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा ऐसा एरोप्लेन नहीं था जो उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आप ही का प्लेन जो है मुझे रडार पे दिख रहा था, ऐसा तो कोई और दूसरा प्लेन मुझे रडार पे दिखा ही नहीं जो आपके आसपास या इस मेरे ATC कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है, जहां तक मेरी रडार की पहुंच है, है ना। हर एक कंट्रोल रूम का एक अपना दायरा होता है कि इस दायरे के अंदर ही वो प्लेन को कैच कर सकती है, अगर उसके दायरे से अंदर बाहर निकल गए तो फिर वो दूसरे ATC कंट्रोल सिस्टम के पास जो है वो चले जाता है। मतलब कि मान लीजिए सपोज कि आप पटना में है, तो ये आपका पटना की जो है, मान लीजिए पटना और दूसरी कोई एक यहाँ पे एक और ATC है जो गया में है, ठीक है, यहाँ पे एक और ATC जो गया में है, तो एक रेंज होता है कि पटना से अगर प्लेन उड़ी है और प्लेन अगर निकली, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पटना से अगर प्लेन ए निकली है तो इस पॉइंट तक आपके जो है वो इस पॉइंट तक पटना का ही ATC काम करता है, इस पॉइंट तक पटना का जो है ATC काम करता है, इस पॉइंट तक पटना का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम उसे गाइड करेगा। इस पॉइंट के बाद जो है गया का जो ATC है, नंबर सी गया का जो ATC है वो उसे हैंडओवर कर देगा। मतलब इस पॉइंट के बाद जैसे ही प्लेन इस पॉइंट को छोड़ेगी और इस पॉइंट में एंटर करेगी, फिर उसे जो सिग्नल जो है गया के ATC से मिलेंगी और फिर यहां से पायलट की बात यहां गया के ATC से होगी, ना कि पटना के ATC से। पटना की ATC जो है सिर्फ यहीं तक पटना के ATC से बात होगी, ये पॉइंट आप मान लीजिए एक्स, इस पॉइंट एक्स तक ही सिर्फ पटना के ATC एयर कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है उनसे बात करेंगे और उन तक जाएगा। इसके बाद जो है, इस पॉइंट के बाद जो है वो स्विच कर जाता है कहाँ पे, वो गया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये जो एयर ट्रैफिक है ये गया के अंदर आता है, और ये जो एयर ट्रैफिक है इस एरिया तक, जो एक्स एरिया तक जो एयर ट्रैफिक है ये पटना के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी प्लेन इसके अंदर उड़ेंगी वो सब पटना ATC से कंट्रोल होगी, और जितनी भी प्लेन इसके अंदर उड़ेंगी वो सब गया ATC से कंट्रोल होगी। मैंने आपको ये उदाहरण के तौर पर बताया, ठीक है। तो वही ये औरत कह रही है कि अनदर प्लेन अप देयर इन द स्ट्रॉम, नो अनदर प्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आप ही का वो प्लेन था जो मैं रडार पे देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कॉम्पास और रेडियो, मतलब उसने बोला ना तो रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे मुझे, ना तो उससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ना ही कोई कंपास जो डायरेक्शन बताता है, ना ही मुझे उससे कोई मदद मिल रही थी, तो ऐसा किसने मुझे मदद किया कि मैं अचानक से जो है इस एयरपोर्ट पे लैंड कर गया, ऐसा किसने मेरा मदद किया कि मैं अचानक से जो है इस एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और इतना ही मेरे टैंक के अंदर ईंधन बचा था कि वो मेरा प्लेन जो है 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था, उतना ही मेरे टैंक के अंदर ईंधन बचा था कि मेरा प्लेन जो है 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हो गया, किसने मेरी मदद की कि बिना किसी रेडियो सिग्नल्स के, बिना किसी कंपास के मदद से, बिना किसी यंत्र के मदद से जो है अचानक से जो है मैं किसी एयरपोर्ट पे अराइव कर गया, ऐसा कैसे हो गया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस एक काले से, एक मेरे आगे जो है एक काला सा एरोप्लेन जा रहा था, उस काले से एरोप्लेन में जो है कौन ऐसे
स्ट्रेंज पायलट थे, अनजान पायलट थे, अननोन पायलट थे, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की और उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट तक लाने का काम किया। वो ऐसा कौन थे जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट तक लाने का काम किया, जिन्होंने मुझे दिशा दिखाया, एयरपोर्ट आने का दिशा दिखाया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मैं कहीं बादलों में ही भटका हुआ रहता, मैं कहीं इस स्ट्रॉम में, इस घने कोहरे में, इस घने बादल में ही कहीं भटका हुआ रहता और शायद जो है मैं उतर नहीं पाता और आज जो है मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? है ना, जो बिना लाइट के जो है इस घने कोहरे में, घने बादल में उड़ रहे थे और जिन्होंने जो है मेरी इतनी मदद की, है ना, क्योंकि वो पायलट जो है उसे थैंक यू बोलना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ जो है वो उसके लिए अननोन रह गई। ये पूरा हमने ये चैप्टर आपको पढ़ लिया, हमने ये पूरा कहानी खत्म कर लिया, लेकिन ये जो वो एरोप्लेन है जो उसके आगे जा रहा था, जिस एरोप्लेन को ये फॉलो कर रहे थे, वो जो है एक अननोन चीज रह गया। वो पता नहीं चला कि वो कौन था, अचानक से कौन सा ऐसा चीज आया जिन्होंने इनकी इतनी मदद की और इनकी जान भी बचाई, क्योंकि इनके प्लेन के अंदर जो है सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था। अगर ये 10 मिनट के अंदर अपने प्लेन को लैंड नहीं करते तो इनकी प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती और फिर ये मिट्टी में मिल जाते, है ना। तो ऐसे कौन से इंसान हैं पायलट जो है उन्हें अब शुक्रिया अदा करना चाहते थे, उनके बहुत शुक्रगुजार थे, उनके बहुत आभारी थे, इसलिए वो उन्हें थैंक यू बोलना चाहते थे, लेकिन ये इन्हें अंतिम तक पता नहीं चला कि वो कौन से पायलट थे और वो ऐसा कौन सा प्लेन था, ऐसा कौन सा चीज़ था जिन्होंने जो है इन्हें जिन्होंने इनके हवाई जहाज़ को जो है हवाई अड्डे तक ला के छोड़ा और फिर अदृश्य हो गए। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है जो हमने ख़त्म कर दिया है। तो कुल मिला के आपका ऑलमोस्ट चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर जो आपकी पढ़ाई हो चुके हैं ऑनलाइन, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन जो आपका CBSE का है वो हमने पढ़ा दिया है। इसके आगे और सिर्फ 5 चैप्टर और पढ़ाना है तो आपका जो है CBSE का पोर्शन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स का वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड हैं, जैसे कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाई कैरोलिन वेल्स, ये जो है चैप्टर डिलीटेड है आपका आपका। तो फिर हम आगे जो है अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना, जो 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 खुद एनी फ्रैंक जी के द्वारा लिखा गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। डायरी मतलब कि जो आपका पूरा दिनचर्या होता है, आप दिन भर में क्या करते हैं और आपको क्या अनुभव लगा, आपने आज क्या अलग किया हटके, और आप कल से क्या बेहतर आप आज कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है लोग जब सोने जाते हैं तो एक अपने डायरी में एक किताब की तरफ होती है, एक डायरी हुई आप समझ लीजिए वो होती है, वो उसे वहाँ पे पेन डाउन करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं और फिर वो अपने हर एक दिन को अपने पिछले दिन से के मुकाबले जो है देखते हैं कि क्या मैं इसे कितना बेहतर हो रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, तो इन सभी चीज़ों का जो है वो आकलन करते हैं। तो अगली बार हम यही पढ़ेंगे उनके बारे में, तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये है थिंकिंग अबाउट अ टेक्स्ट, आपको ये जो है होमवर्क करके लाना है। आपका जो होमवर्क है मैं आपको बता दे रहा हूँ, होमवर्क है आपको थिंकिंग अबाउट the text 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा करना है। फिर आपको दूसरा ये करना है, मैच द फ्रेज करना है आपको, दूसरा जो है आपका ये पहला आपका, दूसरा है मैच द फ्रेज, मैच द फ्रेजेस है ये आपको करना है। तो पहला ये करना है, दूसरा मैच द फ्रेजेस करना है जो आपको पेज नंबर 41 में है, ये पेज नंबर 41 में आपका मैच द फ्रेजेस करना है। और तीसरा जो है आपको ये करना है, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स, टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है इसका, ये भी आपको करना है, है ना। वी नो दैट, इसी में वी नो दैट द वर्ड फ्लाई ब्रैकेट में आपको ऑफ वर्ड्स स्लैश इंसेक्ट्स
means to move through air using wings. Take the words which have the same or nearly the same meaning, मतलब जो common meaning है आपको उसका ये करना है. और फिर चौथा जो है आपको thinking about language का 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको करके रखना है. thinking about the language ये आपका homework है. next जो है thinking about the language ये आपको करना ही करना है. अब स्कूल खुलने वाली है तो मुझे ये होमवर्क में आपका देखना है. अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ है तो फिर ये सही बात नहीं है, फिर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में रुचि नहीं है. और इसके लिए जो है फिर जो भी इसके आगे जो जो भी होगा फिर वो फिर उसके लिए आप तैयार रहेंगे. ठीक है, तो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. ये आपको करना है, ये चारों जो है आपको करके रखना है. ये आपका होमवर्क, मैं बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है. फिर आप बोलेंगे ये मुझे पता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था. तो ऐसा नहीं है, ये आपको करना है. और बहुत ही जल्द आपका स्कूल खुलने वाला है. ये खुशखबरी है आपके लिए, बहुतों के लिए खुशखबरी नहीं भी लगेगी बहुत बच्चों को, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल छोड़े हुए हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब स्कूल जाने में थोड़ा कठिनाइयाँ आएंगी. लेकिन फिर भी आप मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें और स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखें. और ये जान लीजिए कि अब जो है हमें डबल पेस के साथ दौड़ना पड़ेगा. जो अगर जो नॉर्मल पेस हमारा रहता है, अगर जब नॉर्मल तरीके से स्कूल खुली रहती है तो उस समय एक नॉर्मल फ्लो की तरह, नॉर्मल पेस की तरह हम बढ़ते हैं. अब जो है चूंकि इतने दिन स्कूल बंद रहा है, इतने महीनों स्कूल बंद रहा, ऑलमोस्ट आपका ये साल स्कूल बंद रहा है, तो क्या करना, हमें जो है डबल या ट्रिपल पेस से अब दौड़ना है. तो चीज़ें जो है जल्दी जल्दी होंगी, पढ़ाई भी थोड़ी पेस उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, तो आपका आपको भी जो है मेहनत जो है उसकी दुगुनी तिगुनी रफ्तार से आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी. तो इसके लिए तैयार रहें, मेहनत से कभी ना डरें, क्योंकि मेहनत करने पे ही फल मिलता है. और फल की चिंता ना करें, अगर आप सही ढंग से मेहनत करेंगे, आप कहीं अपने दिमाग को इधर उधर ना भटका के, दुनियादारी की चीज़ों में ना भटका के सही तरह से पढ़ाई करेंगे तो अभी भी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, पूरा सहयोग आपको रहेगा. सो I am Kumar Harshavardhan. I am Engineer Kumar Harshavardhan, and I have been taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, Khagaria, Mahesgut, one of the best schools in the district. We don't only say, but we prove it, and we have proved it. हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने करके दिखाया है ना? क्योंकि हमारे ही बच्चों ने सोशल साइंस में जो है बहुत ही अच्छा नंबर लाया है, टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स लाए उन्होंने, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स लाया सोशल साइंस में. और भी अन्य सब्जेक्ट हैं, साइंस में भी उन्होंने अच्छा किया है, तो कई सारे सब्जेक्ट्स में जो वो अच्छा करते आ रहे हैं. और हम निरंतर जो है ऐसा रिजल्ट देते रहेंगे, दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे, बहुत दूसरे स्कूल्स वाले भी बहुत कुछ कह सकते हैं, दूसरे लोग भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से उन्हें पैम्पर किया जाता है और कितनी अच्छी तरह से उन्हें बताई चीज़ों को बताई जाती है. और सिर्फ नहीं किताबी ज्ञान ही ना दी जाती है, किताबी ज्ञान से भी बढ़ के आगे की ज्ञान उन्हें दी जाती है. ठीक, तो आप इस चैप्टर को पढ़ें, कहीं भी दिक्कत हो उसे नोट डाउन करके रखें. काफ़ी जल्द स्कूल खुलने वाला है और हम इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे बैठ के कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे. कोई अगर चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो उसे अंडरलाइन करके रखें, उसे अलग से नोट करके रखें और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे. फिलहाल ये सब आपका होमवर्क है और जैसे ही स्कूल खुलेगा आपको सभी चीज़ों का, जो जो चीज़ को पढ़ा, जो जो चीज़ों की पढ़ाई हो गई है, केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है, बायो पढ़ाई हुई है, फिजिक्स पढ़ाई हुई है, इंग्लिश पढ़ाई हुई है, आपको फिर सोशल साइंस पढ़ाई हुई है, इन सब चीज़ों की जो है आपको हिंदी को छोड़कर लगभग सब कुछ पढ़ाई हो चुका है ना, निरंतर पढ़ाई होता रहा है. तो इन सब चीज़ों का जो है हमें नोट्स कॉपी आपको स्कूल में जमा करना होगा. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द गार्जियंस ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल. वी विल बी मीटिंग वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. हैव अ नाइस डे अहेड.